बहुत लोगों ने बोल रखा कि आप कैसे मिडिल क्लास हुए, आप तो 50,000 के रूम में रह रहे हो, आप एक दिन में इतना खर्चा कर रहे हो, आप कैसे हो गए मिडिल क्लास। पड़ गया था पूरा? ओ बिल्कुल पड़ गया था, बच भी गया था एक। दिखा दो फिर तुझे। दिखा दिया क्यों? मैंने अक्षांशु इसने लगवाया कि वो लिख नहीं पाएगा। ठीक है ठीक है, खराब होने से अच्छा है कि भाई वो फोन में लिख दे। भाई बना तो गजब रखा इसने। तो भैया दिस इज चॉकलेट ट्रफल और 3 pounds और केक। भाई बढ़िया लग रहा है यार। और ये जहाँ से लिया है आर्यन बेकरी। आप मार्केट में कहीं भी पता करोगे देहरादून में तो ट्रफल का कितना रेट है? 900। तो 2 pounds का 1,000 या 900 मतलब मैक्सिमम। अच्छी बेकरी में 1,000 है और 900 बनना, और यहाँ मिला है हमको 900 में 3 pounds 3 pounds। और ये बंदा अपने ही उधर सामने बिल्कुल बनाता है, फ्रेश बनाता है, उसका हाथ बहुत अच्छा है इस चीज़ में। सामने मशीन रख रखी है उसने, बहुत गजब बनाता है। ऐसा नहीं क्वालिटी में कुछ भी फर्क है, 19-20 बेहतरीन बनाता है और बेहतरीन लग रहा है। वाह चलिए, ऐसा मंजर देख के अच्छा तो नहीं लगता है जब बाहर से आओ। जब मैंने बाहर की थोड़ी जिंदगी देख ली तो मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें मुझे खुद में चेंज करने की ज़रूरत है एज अ ह्यूमन बींग। जैसे हमारा जो कूड़े वाला है वो अल्टरनेट डेज में आता है, फिर दो दो दिन छोड़ के आता है, तो तब तक हमारा कूड़ा वैसे ही रहता है घर पे। तो इससे बेटर क्यों उसको वहाँ सड़ने के लिए रखना है, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो यार अभी कूड़ा फेंक कर जाए। पर घर से ये काफ़ी दूर है कूड़ेदान, तो इसलिए गाड़ी में आए। कहीं अब कुछ लोग ये बोले गाड़ी में कूड़ा फेंकने जा रहे, बताओ। टू व्हीलर भी नहीं है आजकल घर पर, टू व्हीलर भी नहीं है घर में, उल्टी गंगा ही बह रही है। मेरा बर्थडे है और मैं गिफ्ट बांट रहा हूँ यहाँ। ये लो इसके मैचिंग का ब्रेसलेट। OMG यार ये वहां से लाया? यस थैंक यू सो मच बेटा, पूरी एक्टिंग कर लेती है मम्मी के ब्लॉग में आके। मम्मी की एक्टिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई ये मैं ला रखा हूँ डैडी के लिए, और सेम बॉटल एक टाइम पे भानु भैया लाए थे डैडी के लिए। आप भी फर्स्ट टाइम हांगकांग गए थे? फर्स्ट टाइम मैं बाहर हांगकांग ही गया था, मेरी पहली ज्वाइनिंग हांगकांग से ही थी। और मेरी भी हांगकांग से हुई। डैडी के लिए दारू भी सेम लाए। क्या सही डिटेलिंग है, क्या लग रही है भाई। एग्जैक्टली सेम बॉटल है भाई, एग्जैक्टली सेम बॉटल। ये देखो यार, ये चिया ने बनाया है मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं थॉटफुल चीज़, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ये क्रस्ट इसकी उभरी हुई है, एक नीचे लिखा हुआ है फूडी व्हील, और ये बना रखा हुआ है पिज्ज़ा। ये पूरा उसने क्रेयॉन्स वगैरह से जिससे भी करा होगा। बाकी भाई ये देखो, इसमें है मेरे सारे के सारे मग बैंग्स के थंबनेल, जो मतलब उसे अच्छे लगे होंगे वो सभी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा गिफ्ट, इसी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाना और ऐसा बेस बनाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम। जैसे कि मैंने बताया था कि हम ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करते हैं, अपना IPL देखेंगे साथ बैठ के और कुछ खाने का बाहर से मंगा देंगे। और ये चीज़ हम लोगों के लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं घर का खाना खाता ही नहीं हूँ अपने मग बैंक की वजह से। मैं जो भी मील कंज्यूम करता हूँ मैं अपने मग बैंक में ही करता हूँ, मतलब हफ्ते में 2 दिन, बाकी के दिनों में मैं अपनी मेन कोर्स जो मील होती है वो खाता ही नहीं हूँ। तो इसलिए हमारे लिए ये एक साथ कभी कभार डिनर करना भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, जो कि आज होने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं नीचे, देखते हैं भानु भैया भाई क्या ऑर्डर करना है आज का, मतलब आज की पार्टी भानु भैया की तरफ से। खाना आ चुका है जिसमें पहला आइटम है अपना पनीर टिक्का। बहुत बढ़िया भाई, दाना पानी से मंगा रखा है भाई, गजब लग रही है। हल्का सा चटनी में करेंगे डिप। केक बना रखा है दिव्या ने भाई, इसके अगर शक्ल देखो तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली बनाया गया, जैसे भी बनाया है उन्होंने, और लग भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। साथ ही साथ यह चीज़ केक जो कि मेरा फेवरेट है, बट अभी फ़िलहाल इसको रखना है हमने फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा ये अभी यूवी में हिल रहा है ढंग से जम जाए, उसके बाद काटेंगे इसे, रख देते हैं फ्रिज में। ये देखो अपना मेन कोर्स का आइटम आ चुके हैं, मलाई कोफ्ता, एक पनीर बटर मसाला, एक चिल्ली पनीर, एक भिंडी मसाला और एक दाल मखनी, और यहाँ आ चुकी है अपनी नान। तो भाई ये देख लो, ऐसी कुछ है अपनी बर्थडे मील, यहाँ है नान और सबके सब मिलके एक साथ खा रहे हैं। तो भाई फाइनली अपना डिनर हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैवी, बट मुद्दे की बात यह कि मुझे कल भी मकबैंग करना है, तो आज मुझे वैसे कायदे से नहीं खानी चाहिए थी, बट क्योंकि बर्थडे है इसलिए थोड़ी
थोड़ी नहीं काफी ज्यादा हैवी मील होगी। धोनी है भाई वो, ठीक है। बाकी मैंने कमेंट्स पढ़े क्योंकि भानुमय ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा कमेंट्स आ रखे, जरा एक बारी पढ़ लेना और अपना ओपिनियन शेयर कर देना, बता देना। तो बहुत लोगों ने बोल रखा कि आप कैसे मिडिल क्लास हुए, आप तो 50,000 के रूम में रह रहे हो, आप एक दिन में इतना खर्चा कर रहे हो, आप कैसे हो गए मिडिल क्लास। तो वो सब खर्चा स्मित भैया ने किया, वो पूरी की पूरी ट्रिप एक तरह से स्मित भैया से स्पॉन्सर्ड थी क्योंकि वो अपना बैचलर सेलिब्रेट कर रहे थे, उनकी शादी होने वाली है तो वो अपना बैचलर सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने हमें वहाँ बुलाया था। तो वहाँ का टिकट का पैसा और उधर जो हमने खरीदारी करी है, शॉपिंग करी है अपने घर लाने के लिए, उसका पैसा जो मैंने मकबैंक करा है उस चीज़ का पैसा, और छुटकुन मुटकुर शायद ही कुछ छुटकुन मुटकुर खर्चा, उसका पैसा हमने पे किया है। बाकी ए टू जेड एक्सपेंडिचर स्मित भैया ने किया है भाई वहाँ। सीरियसली अगर वो चीज़ हमारे पे होती तो शायद ही हम जाते, क्योंकि अगर स्प्लिट भी करना है इतना पैसा तो शायद ही 3-4 ऐसे लोग मिलते हैं जो इतना स्पेंड करने के लिए रेडी होते हैं एग्जैक्टली उस टाइम पे जिस टाइम पे आप रेडी हो उतना पैसा स्पेंड करने के लिए, समझ लो। और अगर मैं अपने अकेले की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले मकाओ तक जाता वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट होटल का मजा लेने के लिए, या फिर वो वाटर पार्क, वो ओशन पार्क एंजॉय करने के लिए, मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं जा पाता। सो ऑल थैंक्स टू स्मित भैया जिन्होंने भाई इतना तगड़ा ट्रिप हमारा स्पॉन्सर करा और इतने तगड़े एक्सपीरियंस हमें मिले उनकी वजह से। बट ये बात बताना जरूरी था बिकॉज आई एम थैंकफुल टू हिम। और दूसरी बात ये कि ऑडियंस को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो पैसा मैं नहीं खर्च कर रहा हूँ। टिकट्स, खाना पीना, अपना जो मकबैंग का खाना पीना था वो, और जो भी मैंने खरीदारी करी वो मैंने अपने पैसों से करी है, बट उसके ऊपर जितना भी खर्चा वो स्मित भैया ने किया, ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अभी किसी ने लिखा था कि यार आपके घर में 3-3 गाड़ियाँ, आप कैसे मिडिल क्लास हो गए। तीसरी गाड़ी तब आई जब मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं, अभी भी मेरी फैमिली वाले सेविंग वाले लोग हैं कि पैसा कमाना है और उसको सेव करना है फ्यूचर के लिए। तो मेरे घर वाले अभी भी वैसे ही हैं कि इधर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो या उसको सेव करो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जिसकी नीड ही नहीं है उस पर खर्च मत करो। जैसे मान लो मेरे पास अभी इतने सारे परफ्यूम हैं बट स्टिल मैंने 2 परफ्यूम अभी ड्यूटी फ्री से और खरीदते। सेम चीज़ घर वालों पे होती तो घर वाले यही सोचते कि यार क्या ज़रूरत है, इतने सारे परफ्यूम पड़े तो हैं तो क्यों खरीदना है। बट मेरा शौक हुआ है और बचपन से ही मुझे ये बोला गया कि भाई जो तुम्हारे शौक हैं तुम अपने पैसे से पूरा करो तो ठीक है, किसी और पे उस चीज़ का बर्डन मत डालो। अपने घर वालों को मत बोलो कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, पैसे दो। आप अगर कमा रहे हो तो अपने शौक खुल के पूरे करो, उसमें कोई मना ही नहीं है। घर वाले मेरे कभी मना नहीं करते हैं मुझे, जो चीज़ मैं अपने पैसे से अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, अच्छे शौक। ऐसा नहीं कि मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ और रात को पी के आ रहा हूँ, बढ़िया एकदम डोल रहा हूँ, इधर से उधर नशे कर रहा हूँ, वो गलत है। मतलब ऐसे समझ लो बचपन से ही मुझे एक ना विजुअल आता था कि मेरे इतने सारे शूज़ होने चाहिए, मेरे इतने सारे परफ्यूम्स होने चाहिए, अपैरल्स होने चाहिए अच्छे अच्छे। तो ये मेरा बचपन से ही एक शौक था जो मैं ट्राई करता हूँ कि अब वो चीज़ पूरी हो जाए, तो मैं उसी के लिए मेहनत करता हूँ। और क्योंकि इन सब चीज़ों का मेरे को शौक था, मुझे मज़ा आता है खरीदने में नई नई चीज़ें, घूमने फिरने में, ये मेरा बहुत बड़ा शौक था, इसलिए मैंने कोशिश करी कि इसी शौक को मैं अपने करियर में कन्वर्ट करूँ और वही चीज़ अभी ट्राई चल रही है। तो मेरी फैमिली की बात करी जाए तो वो अभी भी सेविंग वाले हैं, मेरी बात की जाए तो मैं अब हुआ हूँ ऐसा कि मैं कमाना स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले और मैं उस कमाई से ही अपने शौक पूरे करता हूँ। ऐसा आप बोल सकते हो कि हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को मिडिल क्लास ही कंसिडर करता हूँ। और व्लॉग्स में भी स्पेशली मैंने मिडिल क्लास इसलिए लिखा ताकि जितने भी मिडिल क्लास लड़के हैं मेरी तरह, जिनके बचपन से बहुत बड़े बड़े शौक रहे हैं कि ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, वो सपने पूरे हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे, आपकी मेहनत पे, कि आप किसी भी चीज़ को कितना सीरियसली लेते हो, कितना डेडिकेटेडली उस चीज़ को फॉलो करते हो, ये सब चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर कुछ भी चीज़ डेडिकेटेडली कर रहे हो ना एक उस पर्सपेक्टिव से कि मुझे ग्रो करना है और अपवर्ड पोजिशन में ही ग्रो करना है, तो भाई आप कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी, अपने कितने भी सपने पूरे कर सकते हो, बस डेडिकेशन वाली बात है। और ये सारी बातें मेरी तरफ से नहीं निकलने वाली थी बट बोलनी पड़ी क्योंकि कमेंट्स में लोग ऐसा बोल रहे थे, तो उनकी भी गलती नहीं है, उनके पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो एकदम सही बात बोली उन्होंने, जो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि आप भी सही हो, अपने पर्सपेक्टिव से मैं भी सही हूँ,
तो बीच में हम कहीं मिल जाए तो वही बेटर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब एडिटिंग निपटाते हैं, टाइम बहुत कम बचा है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओहो टाइम हो रहा है 11:42, फाइनली पूरा का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि मेरे व्लॉग्स में आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, या मैंने इसको ना डायग्नोज करवाया, वो ऑनलाइन ही डायग्नोज कर देते हैं, तो उन्होंने बताया कि आपके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब आज तक ये फ़ोन गिरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, डिस्प्ले में आपके कुछ प्रॉब्लम है, और आपका नियरेस्ट नैशविला में है एक सर्विस सेंटर, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और उसी आवाज़ की दिक्कत ना है, इसलिए मैं आज अपना कैमरे से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर रोड का माइक है, सब कुछ प्रॉपर है, इसमें आवाज़ बढ़िया क्रिस्प आ रही होगी। अभी चलते हैं नीचे, तैयारी करते हैं मकबैंक की।